नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की और सबसे पहले बात इन्वेस्टर्स समिट की, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है। देहरादून में ये शुरुआत होगी उत्तराखंड की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजन स्थल FRI का फिर दौरा किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये इन्वेस्टर समिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आज से ही डेलीगेशन के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज शाम सीएम आवास पर डिनर का कार्यक्रम भी रखा गया है। पीएम मोदी कल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे, जबकि शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के लोगों को एक तो उनकी आर्थिकी व्यापार बढ़ेगा, हमारे नौजवान युवा साथियों को रोजगार मिलेगा, और साथ ही ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, लॉजिस्टिक का सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फार्मा सेक्टर है, एडवेंचर टूरिज्म है, एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग का है, हॉर्टिकल्चर है, और हेल्थ एजुकेशन के सेक्टर हैं। सभी सेक्टरों में लोग आ रहे हैं, रियल इस्टेट का सेक्टर है, और अपार संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर है, क्योंकि 7000 एकड़ का लैंड बैंक हमने बनाया है। इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर अच्छा माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है, NCR के पास है, देहरादून और पंतनगर के दोनों एयरपोर्ट हम आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने के लिए काम कर रहे हैं, 13 के 13 जिलों में हेलीपोर्ट बन रहे हैं, हवाई सेवा हमारे देहरादून के लिए देश की 37-38 लगभग 40 के लगभग उड़ानें आज देश के प्रमुख शहरों से चल रही हैं। उत्तराखंड को निवेश की नई डेस्टिनेशन स्थापित करने की दिशा में शुक्रवार का दिन उत्तराखंड के लिए माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। शुक्रवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी और इसी के साथ शुभारंभ होगा 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का। और राज्य के अंदर जहां इन्वेस्टर समिट के बाद एक इन्वेस्टमेंट का और औद्योगिकरण का तेजी से विकास होगा। शुक्रवार से देहरादून के FRI में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू होने जा रहा है। सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। पीस टू प्रोस्पेरिटी की थीम पर आयोजित इस समिट में देश दुनिया के 1,000 से ज्यादा इन्वेस्टर और डेलीगेट्स शामिल होंगे। गुरुवार को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समिट की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये समिट उत्तराखंड को निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित भी करेगा। और राज्य के अंदर जहां इन्वेस्टर समिट के बाद एक इन्वेस्टमेंट का और औद्योगिकरण का तेजी से विकास होगा, वहीं रोजगार सृजन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे सभी राज्य के नौजवान युवा भाइयों को, बहनों को, सबको अपने राज्य के अंदर ही एक काम करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था। सरकार इस लक्ष्य को पार कर करीब 3 लाख करोड़ के MOU साइन कर चुकी है। बड़ी बात ये कि समिट से पहले ही 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्राउंडिंग के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी समिट के उद्घाटन के साथ ही इन प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का भी शुभारंभ करेंगे। इस बार केवल हम इसको MOU तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम इसको धरातल पर उतारने पर भी काम करेंगे। लगभग 44,000 करोड़ रुपए की अभी तक जो इन्वेस्टमेंट है वो धरातल पर आ गए हैं, जो कि लगभग 17-18% जो हमारा लक्ष्य है उसके सापेक्ष अभी तक हो गया है, और ये हमको बहुत ऊर्जा देने वाला आंकड़ा है। समिट के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के साथ ही 3 केंद्रीय मंत्री, प्रमुख उद्योगपतियों सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। उद्घाटन सत्र में 8 वक्ताओं के रूप में देश के प्रमुख उद्योगपति भी शामिल रहेंगे। समिट में स्लोवानिया, नेपाल, क्यूबा, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, जापान, सऊदी अरब सहित 15 देशों के राजदूत भी मौजूद रहेंगे।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस वक्त सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, देहरादून और उत्तराखंड अगले दो दिन के लिए एक ऐसा डेस्टिनेशन बनने वाला है, खासकर देहरादून, जहां पर 15 अलग अलग देशों से लोग होंगे, जहां पर वीवीआईपीज होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, सैकड़ों की तादाद में यहां पर उद्योगपति होंगे। किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए मैनिका, बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिहाज से भी। और जिस तरह से आपने अभी मुख्यमंत्री को सुना, मुख्यमंत्री खुद ही अपने मुंह से ये बात कह रहे थे कि उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक नई डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार होगा। और जिस तरह से लगातार जो MOU साइन हुए हैं करीब 3 लाख करोड़ के, जबकि सरकार का लक्ष्य था 2.5 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। और कल भी जब इन्वेस्टर समिट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद होंगे, देश विदेश के उद्योगपति, राजदूत, तमाम औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे। कल भी कई लाख करोड़ के MOU साइन होने की उम्मीद है। सबसे बड़ी जो उम्मीद है, जो उम्मीद बंधाती है, कि 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग भी सरकार इस बीच कर चुकी है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है मैनिका, क्योंकि आमतौर पर जब एक्सपर्ट से हमने बातचीत की, कोई भी इन्वेस्टर समिट होता है तो समिट का जो अचीवमेंट लास्ट में होता है, जो ग्राउंड पे जो इन्वेस्टमेंट उतरता है, वो बमुश्किल 10-12% के आसपास ही अचीव हो पाता है। उत्तराखंड में ये बड़ी चीज़ रही कि आप जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि करीब 18% जो अपना टारगेट था 2.5 लाख करोड़ का, उसके 18% के आसपास सरकार अचीव कर चुकी है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी और ये उत्साह बढ़ाने वाली बात है। उत्साह बढ़ाने वाली बात है। सुनील, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है, 18% यानी कि 44,000 करोड़ रुपया ग्राउंड पर यानी कि जमीन पर धरातल पर निवेश की का समझौता हो भी चुका है, जबकि अभी समिट की तो कल शुरुआत होनी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों और पहाड़ के युवाओं को भी रोजगार मिले, इसके लिए इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार की कोशिश है कि निवेशक हेल्थ सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इन दोनों सेक्टर्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। CM धामी ने कहा, ग्राउंडिंग पर काम कर रहे हैं। जब इन्वेस्टर समिट का सोचा था तो यही दिमाग में था कि कैसे पहाड़ तक रोजगार पहुंचे, हेल्थ सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कई निवेशकों ने हेल्थ सेक्टर में काम करने की इच्छा जाहिर की है। अब तक कई MOU साइन हुए हैं। हमारी जो प्राथमिकता है, जो हमारा संकल्प है कि राज्य के अंदर शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जिसकी हमारे राज्य को बहुत आवश्यकता है, और ये हमारी प्राथमिकता में लेकर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें हेल्थ में और एजुकेशन में काम करने के लिए आए हैं। डिपार्टमेंट की जहाँ तक मैं बात कहूँ तो इन्वेस्टर समिट में 8 तारीख को 3 से 5 बजे का हमारा एक सेक्टोरल सेशन है। इसमें जो इंडस्ट्री के जो मेन प्लेयर्स हैं हेल्थ इंडस्ट्री के, उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि अपने वो एक्सपीरियंसेस साझा करें। और इसके बाद जो हमारा जो यहाँ पे स्टॉल है, इसमें जो हमारे इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम प्रदर्शित कर रहे हैं मॉडल्स के तौर पे। इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर बीजेपी भी खास तैयारियों में है। उत्तराखंड बीजेपी ने IMA से लेकर FRI तक महिला मोर्चा की 2000 कार्यकर्ताओं को स्वागत में पुष्प वर्षा के लिए कहा है। 3 राज्यों के चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री का किसी राज्य का ये पहला दौरा है जिसे बीजेपी जश्न के तौर पर मनाने जा रही है। बीजेपी ने 6 पार्ट में कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई, जो PM मोदी को रिसीव करने से लेकर उनके जाने तक अलग अलग हिस्सों में रहेंगे। मंत्री विधायकों से लेकर पदाधिकारियों तक की सबकी ड्यूटी लगाई गई है। 250 लोगों की एक लिस्ट तैयार हुई है जो प्रधानमंत्री के स्वागत में तैनात रहेंगे। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे माननीय विधायकगण, सांसदगण, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, सभी लोग अलग अलग स्थानों पर उनका स्वागत करने वाले हैं। और इसी प्रकार से हमारे 2000 महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प वर्षा के द्वारा उनका स्वागत भी किया जाएगा।
और समिट के मद्देनजर देहरादून की सड़कों को रातों रात बदल दिया गया, संवार दिया गया। सीएम धामी की ऐसी सख्ती हुई कि अधिकारियों ने सड़कों को चमका दिया और इसलिए तो लोग कहते नहीं थक रहे कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। जॉलीग्रांड एयरपोर्ट से लेकर एफआरआई तक जिस भी रोड से आप गुजरे, देहरादून शहर इन दिनों चकाचक नजर आ रहा है। शहर भर में दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग, एपेट कलाकृतियों से सजे बोर्ड और चौक चौराहों पर खूबसूरत फूल। इन्वेस्टर समिट के लिए दून की सड़कों को चमकाया गया। सड़कों के बुरे हाल पर सीएम धामी का सख्त रुख हुआ तो रातों रात अधिकारियों ने शहर पर काम किया। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट सालों से रेंग कर चल रहा था उसने भी मुख्यमंत्री का इशारा पाकर रफ्तार पकड़ी और अब नतीजा सबके सामने। शहर के अंदर सड़कों का काम भी तेजी से चल रहा है, दीवारों पर लेखन और पेंटिंग, यहाँ की फसाड, ये सब, ये हमारे लिए हर प्रकार से मौका है। जहाँ इन्वेस्टमेंट आना, यह भी हमारे लिए एक बड़ा मौका है। उत्तराखंड राज्य के लिए यहाँ रोजगार सृजन होना, वो भी मौका है। इसके साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण हो, शहर सुदृढ़ीकरण हो, सड़कें अच्छी बने, हमारे यहाँ के जो काम होने थे तेजी से स्मार्ट सिटी के, वो सब काम तेजी से हो रहे हैं। हालात ये कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि उनका देहरादून इतना खूबसूरत भी हो सकता है। अब इन्वेस्टर्स समिट के ही बहाने सही, लेकिन दून की रंगत देखते ही बन रही है। बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। और सड़कों के जो किनारे पे है वहाँ पे पेंटिंग हो रही है, बहुत सुंदर काम हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इससे पहले स्मार्ट सिटी के काम इतने सालों से चल रहे थे लेकिन दिखा रहे हैं? बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम खुद हैरान है कि इस शहर इतना सुंदर हो सकता है लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ। घर के हाथों में तो सारा कुछ है लेकिन मतलब कंटिन्यूस करें ना, लगातार करें पहले से भी। ये नहीं कि भाई अब ये क्या समिट हो रहा है तो आज ही कल हो रहा है, लेकिन हमेशा करें तो बहुत बढ़िया हो सकता है। करीब 45 करोड़ की लागत से देहरादून शहर को चकाचक बनाया गया है और अब आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि जो साफ है उसे साफ बनाए रखें और अपने देहरादून को खूबसूरत बनाए रखने में सहयोग करें। देहरादून से सुनील नवप्रभात और भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब हल्द्वानी से राहत वाली खबर। तीन दिनों से जारी ट्रक वालों की हड़ताल आज खत्म हो गई। ट्रक वालों की कमिश्नर और डीआईजी से बातचीत हुई जिसके बाद कमिश्नर ने मांगों पर विचार का भरोसा दिया, तब जाकर ट्रक वालों ने हड़ताल खत्म की। ट्रक ड्राइवर्स ने ओवरलोडिंग और पुलिस के खराब व्यवहार के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया था। ट्रक वालों की हड़ताल से पहाड़ों पर सामानों की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई थी। हालांकि अब हड़ताल खत्म होने के बाद सप्लाई शुरू कर दी गई है, कल से पहाड़ों पर दिक्कतें नहीं आई। व्हीलचेयर पर बैठकर भी कांग्रेस के लिए काम करूंगा। खराब तबीयत के बावजूद गांधी पार्क में पूर्व सीएम हरीश रावत ने धरना दिया। हरीश रावत ने कहा उन्हें किसानों की चिंता है, तो बीजेपी ने जवाब दिया किसानों की चिंता छोड़ हरीश रावत अपनी सेहत और कांग्रेस की हालत की चिंता करें। चौबीस अक्टूबर को एक्सीडेंट के बाद गुरुवार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहला धरना दिया और दिन चुना इन्वेस्टर्स समिट से एक दिन पहले का। देहरादून के गांधी पार्क में गांधी जी की शरण में पहुंचे हरीश रावत ने किसानों के हाल पर चिंता जताई। पहले जब संसद थे और गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की, तो वहीं आपदा प्रभावित को बढ़ा हुआ मुआवजा देने की बात भी हरीश रावत ने की। उसका दर्द है, मेरा गन्ना पेर रहे हो, हमको मूल्य मालूम नहीं। उसका दर्द है, मेरे गन्ने का बकाया है चीनी, इकबालपुर चीनी मिल पर तुम उसका भुगतान नहीं करो। उसका दर्द है, उसको खाद नहीं मिल रही है। उसका दर्द है कि उसकी उसकी फसल बर्बाद होगी, मुआवजे के नाम पर तुमने 1100 रुपया दे करके उसका अपमान कर दिया। हरीश रावत ने खराब सेहत के बावजूद धरना दिया, पर धरने की ये मजबूरी प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम को तैयार बीजेपी के गले नहीं उतरी। बीजेपी ने साफ कहा कि किसानों की चिंता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसीलिए हरीश रावत अपनी सेहत और कांग्रेस की चिंता करें।
धरना देने का सवाल है, उनको अपने सेहत पे पहले ध्यान देना चाहिए। और इस समय उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और ईश्वर ने उनको बचाया है, और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि रहा किसानों का सवाल, किसानों की चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उत्तराखंड की चिंता किसानों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। इस चिंता को छोड़े, वो अपनी चिंता और कांग्रेस की चिंता कर ले। हरीश रावत का धरना किसानों को लेकर था, लेकिन सवाल यही उठा कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है कि सेहत को पीछे छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री सियासत का मौका नहीं छोड़ना चाहते, फिर चाहे ये काम व्हीलचेयर में बैठकर क्यों ना करना पड़े। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। हरिद्वार लोकसभा सीट से किसी संत को टिकट दिए जाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। गौरीशंकर गौशाला आश्रम में आयोजित एक संतों के कार्यक्रम में कई संतों ने मंच से आगामी लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों से संत को ही टिकट दिए जाने की बात दोहराई। अभी तक साधु संतों का एक गुट ही इसकी मांग कर रहा था, लेकिन अब कई दूसरे गुट भी इस मांग में साथ आ गए हैं। साधु संतों का कहना है कि हरिद्वार की पहचान धर्मनगरी के रूप में है और इसलिए एक संत को ही हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर सभी राजनीतिक दल संत को टिकट देंगे तो हरिद्वार लोकसभा सीट से संत को ही सांसद चुना जाएगा। भले ही वो सफेद कपड़ों में एक संत है, उन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। पूरे विश्व में जो आज स्वरूप है भारत का, वो बहुत ही अद्भुत है। ठीक इसी तरह से आदरणीय योगी जी को देख रहे हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि तीर्थों में कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए कि तीर्थ में संतों का नेतृत्व अगर मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन जब से दिल्ली की सत्ता पर एक बहुत आदर्श एक साधु पुरुष कह लीजिए मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, तो फिर से भारत अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ है, विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की। सीएम आवास पर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल, उप निदेशक कर्नल एमएस जोधा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ्लैग लगाया। सीएम ने कहा, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले अपने वीर सैनिकों पर हमें गर्व है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस का ये मौका राष्ट्र के सजग प्रहरियों के अविस्मरणीय बलिदान और सेवाओं को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन भी है। सीएम धामी ने प्रदेश के नागरिकों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए अपना योगदान देने की भी अपील की। रुद्र में आग लग गई और ऐसी भड़की कि बगल की वाइन शॉप को भी अपनी चपेट में ले लिया। तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा की शराब जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। आग पहले होटल में लगी और फिर 3 दुकानों को अपनी चपेट में लेती चली गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा की शराब जल चुकी थी। दुकान में लीकर होने की वजह से आग और ज्यादा तेजी से भड़की, भारी नुकसान हुआ है। देहरादून में 9 दिसंबर को आईएमए की पासिंग आउट परेड का आयोजन होगा। पासिंग आउट परेड से पहले आज कमांडेंट परेड का आयोजन हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा ने परेड की सलामी ली। इस दौरान सैन्य ट्रेनिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, 343 जेंटलमैन कैडेट्स और मित्र देशों के 29 कैडेट्स बनेंगे पीओपी का हिस्सा। आईएमए की पासिंग आउट परेड में इस बार श्रीलंका के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ यानी CDS सलामी लेंगे। आईएमए के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई विदेशी सैन्य अधिकारी परेड की सलामी लेंगे। और अब नजर पहाड़ टॉप 10 पर। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में बंद पड़ी मैग्नेसाइट फैक्ट्री शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। फैक्ट्री फिर से शुरू होती है तो रोजगार के नए मौके मिलेंगे, ये कहना है कांग्रेस का। अल्मोड़ा में मिनिस्ट्रियल फेडरेशन ऑफ सर्विसेज का धरना, गांधी पार्क में आज भी जारी रहा 21 मांगों के साथ धरना। हरिद्वार में घर के बाहर
विकास नगर में एक महिला ने अपने पति पर अवैध संबंधों के चलते मारपीट का आरोप लगाया, पुलिस से कार्रवाई की मांग की। भुरमुनी में पेयजल संकट से नाराज गांव वालों ने पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे दशकों से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। बागेश्वर में पुलिस ने सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले, अस्पताल पहुंचाने वाले 11 लोगों को गुड समेरिटन स्कीम के तहत इनाम दिया। अल्मोड़ा में खेल महाकुंभ में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। राज्य स्तर के कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आईआईटी रुड़की में इंटरनेशनल सेमिनार में देश विदेश के 800 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें नेट कार्बन जीरो को लेकर चर्चा हुई है, सुझाव दिए गए। बागेश्वर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर जिला सैनिक कल्याण विभाग और एनसीसी कैडेट्स ने जिला अस्पताल में डॉक्टर्स को झंडा लगाया। अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस में मोटे अनाज को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई, इस दौरान लोगों ने मोटे अनाजों से बने व्यंजनों का स्वाद लिया। कॉर्बेट और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में बाघ बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अब ये बाघ खुलेआम सड़कों पर टहलते नजर आते हैं। आज सुबह भी गर्जिया मंदिर के पास एक बाघ घूमता हुआ नजर आया। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, बाघ जैसे ही रोड पार कर रहा था तभी वहां से एक शख्स भी गुजर रहा था। गनीमत ये रही कि शख्स जैसे तैसे बचा। उधर वन विभाग पर पेट्रोलिंग की बात वन विभाग की ओर से कही जा रही है। गर्जिया मंदिर समिति द्वारा एक वीडियो हमको सर्कुलेट किया गया था, जिसमें आज सुबह 7 बजे के आसपास एक टाइगर वहाँ पे गर्जिया मंदिर के जो एंट्री के रोड है वहाँ से गुजर के जा रहा था। तो उसको संज्ञान लेते हुए हम अभी एक व्हीकल पेट्रोलिंग टीम गठित की है, जिसमें सरदुली रेंज, बिजरानी रेंज और कोसी रेंज की टीम साथ में व्हीकल पेट्रोलिंग करेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में बढ़ते बाघों से मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ गया है, जिससे वन विभाग को लेकर भी लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिम कॉर्बेट पार्क में बढ़ते बाघ रामनगर के आसपास के इलाकों में कहर बरपा रहे हैं। यहाँ बीते एक महीने से बाघों के साथ इंसानों का संघर्ष खासा बढ़ गया, जिससे वन्यजीव प्रेमियों के माथे पर भी शिकन पड़ गई है। वो भी अब इनके लिए ठोस उपाय कर संघर्ष रोकने की मांग कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। विगत कुछ माहों में जो है कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, बाघों के शिकार हुए हैं लोग, और पार्क के अंदर जो है बाघों की संख्या बढ़ रही है, और उसका परिणाम ये आ रहा है सामने कि जो है मानव वन्यजीव बाघों के बीच में संघर्ष सामने आ रहा है। हम निश्चित तौर पर जो है इस पर बहुत गंभीरता से इसको सोचना होगा, अन्यथा जो है ये समस्याएं और आगे सामने और विकट रूप धारण करेंगी। आज ग्रामीणों का जंगलों पर जो निर्भरता है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है।